आइए आज हम बात करते हैं लिट्टी चोखा की, जो आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से चर्चा में है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि देश के कई जाने माने राजनेता और सेलिब्रिटी भी ले चुके हैं बिहार के लिट्टी चोखा का आनंद। बिहार और बिहारीपन का प्रतीक है लिट्टी चोखा। वो अलग बात है कि अपने लजीज स्वाद की वजह से बिहारी लिट्टी चोखा अब इंटरनेशनल लिट्टी चोखा बन चुका है। हाल फिलहाल में ये लिट्टी चोखा चर्चा के केंद्र में तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लिट्टी चोखा खाते हुए वायरल हुई। कई लोगों के लिए यह बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक था, तो कई लोगों ने इसे विशुद्ध सियासी व्यंजन बता दिया, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में बिहार विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिट्टी चोखा का यह स्वाद सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही भाया है। इसके पहले लिट्टी चोखा का आनंद उनके धुर विरोधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी ले चुके हैं। साल 2015 में जब नई दिल्ली में रेहड़ी पटरी पर बेचने वाले दुकानदारों का एक फूड फेस्टिवल आयोजित हुआ, तो उसमें राहुल गांधी ने लिट्टी चोखा का स्वाद लिया। उस दौरान राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस लिट्टी चोखा के स्वाद की काफ़ी तारीफ भी की। राष्ट्रपति भवन में काम कर चुके कुछ पूर्व कर्मचारियों की माने तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी भी लिट्टी चोखा के बेहद शौकीन माने जाते रहे। दिल्ली में रेहड़ी पटरी पर बेचने वाले लिट्टी चोखा की दुकानों से अक्सर इनके लिए लिट्टी चोखा का पार्सल जाता रहता था। हाल फिलहाल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब अपनी मृत्यु से पूर्व झारखंड की यात्रा पर गए थे, तब भी उन्होंने लिट्टी चोखा खाने की इच्छा जताई और आयोजकों ने उनके लिए लिट्टी चोखा का प्रबंध किया। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि बिहार के पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म सुपर 30 के लिए अभिनेता ऋतिक रोशन ने अपना वजन कम करने के लिए लिट्टी चोखा का नियमित तौर पर सेवन किया था। ऋतिक रोशन के मुताबिक लिट्टी और चोखा ऐसा व्यंजन है जिसमें आप भरपेट भोजन और डाइट दोनों एक साथ कर सकते हैं। ऋतिक रोशन का ये आइडिया आपको चौंका सकता है, लेकिन ये उनकी ओर से आजमाया हुआ नुस्खा है। आमिर खान को तो आप भूल नहीं सकते जब लिट्टी चोखा का आनंद लेने के लिए वो पटना की सड़कों पर नजर आए थे। बात करते हैं अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की, तो फिल्म सन ऑफ सरदार के प्रमोशन के दौरान भी पटना की गलियों में अजय और सोनाक्षी लिट्टी चोखा खाते नजर आए थे। लिट्टी और चोखा के साथ सेलिब्रिटियों की यह तस्वीरें काफ़ी समय तक चर्चा में रही थी, और एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिट्टी चोखा का आनंद ले लिया है तो एक बार फिर से इनकी चर्चा तेज हो गई है। धन्यवाद।